नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर, इंदौर पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई, सोशल मीडिया पर रखी पैनी नजर। इंदौर पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता पर किया केस दर्ज, कोरोना में चल रही थी शादी की तैयारियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के तीखे तेवर, पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना, ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। ग्वालियर के कोविड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक अखिलेश पचौरी ने मरीजों का हौसला बढ़ाया है, साथ ही यह भी बताया कि आसन और प्राणायाम से कोरोना से जंग जीती जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना से ठीक होने के लिए योग जरूरी माना जा रहा है, तो प्रशिक्षक अखिलेश पचौरी लगातार मरीजों को योग करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस बीमारी में लगने वाली दवाइयां भी काफी महंगी है और उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है। पुलिस का कहना है कि हम लगातार सोशल मीडिया पर निगाहें रखे हुए हैं और यदि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना में बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर और फेविफ्लू टेबलेट की और इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा टोसिन की बहुत शॉर्टेज थी। अभी जो फंगस इन्फेक्शन को लेकर जो चीज़ चल रही है उसमें जो इंजेक्शन हैं वो काफ़ी महंगे हैं और उसकी शॉर्टेज है। उसको लेकर भी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर हमने जिस प्रकार पहले सोशल मीडिया पर और इस पे जो समाज सेवा के नाम पर ये ऐसे ग्रुप बनाकर लोग ब्लैकमेलर तक या कालाबाजारी करने वालों तक उनको पहुँचवा देते थे, उस पर निगाह रख रहे हैं। अगर कोई इस पर ऐसा पाया जाता तो उसके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो कालाबाजारी करने वाले लोग जितने भी हुए हैं, 12 लोग पकड़े थे, अभी हमने 11-12 उनके सबके खिलाफ रासुका की गई है और साथ ही नगर निगम को पत्र भी लेख किया गया जिसमें उनके जो मकान वगैरह बने हैं, अवैध संपत्ति है, इन सब की जानकारी भी लेकर कार्रवाई की जा रही है। महू से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम कुर्द उर्फ बड़ी जाम है। यहाँ विद्युत मंडल की लापरवाही से बिजली के तार टूट गए और 2 भैंसों की मौत हो गई। भैंस के मालिक गोपाल गुर्जर ने बताया कि कल सुबह हमने भैंसों को चराने के लिए बाड़े से खोला था और 2 भैंस आगे निकल गई थी। इसी दौरान बिजली के टूटे हुए तार जमीन पर पड़े हुए थे जिससे दोनों भैंसों को करंट लगा और मौके पर ही मौत हो गई। गोपाल गुर्जर ने आगे बताया कि हमारे द्वारा बिजली विभाग को बार बार शिकायत करने के बाद भी नीचे लटकते हुए बिजली के तारों का सुधार नहीं हो सका और आज यह बड़ा हादसा हो गया। सर, आज से मतलब 5-6 दिन पहले जब मैं ये लाइन का तार ऐसे गिर गया था तो मैंने देखा कि यहाँ जानवर आ सकते हैं और जानवर मर भी सकता है, तो कोई भी मर सकता है नाले में। यहाँ पूर्ण रूप से नीचे गिर गया था तो मेरे पास, मैं डायरेक्ट वहाँ गया जहाँ बिजली विभाग के बड़गोंदा गया और वहाँ जाके मैंने शिकायत की भैया वहाँ पे तार गिर गया है, तो उन्होंने बोला तुम्हारे गांव के लाइन। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं भैया, आप ही जब यहीं हो, मैं आया हूँ, तो आप मेरी शिकायत दर्ज करो और इनको बोलो भैया उनको पहुँचाओ या कोई हादसा हो सकता है। इतना बोल के जब मैं आ गया तो हमने ध्यान भी रखा, हमारे जानवर दूसरी तरफ छोड़ने लगे। कारणवश गलती से आज मेरी 2 भैंस जो जन्ने तो लाई है, आज की तारीख में उनकी कीमत क्या बताऊँ, 80-90 हज़ार के करीब एक एक भैंस की कीमत है। वो आज गलती से दौड़ लगाने के कारण वहाँ हमने तार का ध्यान नहीं रखा और जैसे ही गई वहीं पे चिपक के स्पॉट। इंदौर में कोरोना महामारी के इस दौर में शादी करना भी अपराध हो गया है। बीते दिन इंदौर की खदराना पुलिस ने एक दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दिनेश अटोनिया नामक युवक की शादी की तैयारियां चल रही थी जिस पर पुलिस ने दूल्हे दिनेश और उसके पिता लखन अटोनिया के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें शादी न करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि प्रशासन ने संक्रमण को देखते हुए सभी समारोह पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
ऐसे में कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में पुलिस सख्ती से कार्यवाही कर रही है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि गुरु कृपा कॉलोनी में एक शादी विवाह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने तस्दीक हेतु गए थे, तो वहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा लोगों को खाना बिठा के खिलाया जा रहा था और विवाह कार्यक्रम चल रहा था, तो पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। दिनेश नाम के व्यक्ति की शादी थी पिता लक्ष्मण, तो दोनों को ले आए थे हम, बंद कर दिया था उनको, उनके विरुद्ध 188 का मुकदमा दर्ज किया था और बाद में उनको जमानत पर भी छोड़ दिया गया। लगभग शादी में सर कितने लोग थे? लगभग हम लोग पहुँचे जब 100 से अधिक लोग उपस्थित थे, करीबन 50-60 मोटरसाइकिलें थी जिनकी सबकी हवा निकाल दी गई और शादी समारोह वाले व्यक्ति जो आयोजन कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई। दोनों पक्षों पर कार्रवाई? शादी समारोह वाले एक ही वक्त पक्ष पर हुई है, ये दूल्हे का घर था और बारात कहीं और जाने वाली थी आज, तो उससे पहले ही कल जो कार्यक्रम था शादी का उसमें हमने कार्रवाई की है। कुछ विवाद करने का भी प्रयास किया परिजनों ने? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ, पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है और दूल्हे और उसके बाप को लाके बंद कर दिया था और बाद में जमानत मुचलके पे उनको रिहा किया गया। धार जिले की कुक्षी विधानसभा में विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। उन्होंने निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 20 लाख के संसाधन उपलब्ध कराने और 10 पलंग आइसोलेशन के रूप में तैयार करवाने की जानकारी दी है। वहीं अपने विधायक निधि से जन सहयोग भी लगातार कर रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल की माने तो इस महामारी में हर संभव मदद करने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। इसके अलावा मैंने दही में भी दी है, अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपए वहाँ पे दिए। निसरपुर अस्पताल की कोविड की जो मैंने जानकारी आपको दी है कि इन अस्पतालों में भी हमने आवश्यकता अनुसार 20 लाख की सामग्री यहाँ पे भी दी है। आज का दिन महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए और राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। सूचना क्रांति का अगर हम बात करें तो राजीव जी की देन, पंचायत राज की अगर हम बात करें तो राजीव जी की देन, तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा के सुमन उनके प्रति अर्जित करते हैं और उनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है कि जनता की सेवा करें। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उमंग सिंघार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी है। उनके इस बयान के बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने संविधान की शपथ और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब वे सीएम थे तब उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी, उन्होंने सीएम रहते कोविड को लेकर कुछ नहीं किया और अब भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं उनको, मैंने तो उनको चैलेंज किया है, मैंने मिगला नहीं कहा या वो कौन थे दूसरे को टक्कर, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया नाम। व्यग्रस्त भाजपा नहीं है, व्यग्रस्त कमलनाथ जी है। शर्मा जी, ये ब्लैकमेलिंग करने का काम किसी को अधिकार नहीं है। आप संवैधानिक रोड पर चलते हुए व्यक्ति नहीं है, रोड पर चलते हुए व्यक्ति भी जिम्मेदारी से बात करेगा। आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर सीडी आपके पास आई थी जवाब दीजिए ना, कहां से मिली, क्या जवाब दिया? मीडिया के लोग इसको मानेंगे? मीडिया के लोग इसको मानेंगे? पुलिस ने किस अधिकारी ने दी, जरा लाइए सामने। आप जिम्मेदार हैं, मैं कह रहा हूं आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं आज कुछ बोलूंगा मुझे जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा। बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए थे और उन्होंने कहा था कि इंदौर में संक्रमित संख्या कम हो रही है, लेकिन 1 जून से बहुत कुछ सामान्य करना है तो 10 दिनों के लिए सख्ती करना होगी। अब इसी के चलते मुख्यमंत्री ने 28 मई तक इंदौर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल सब्जी और फल मंडी के साथ ही किराना दुकानों को भी बंद करने की घोषणा की। इतना ही नहीं, बेवजह घूमने वालों पर भी प्रशासन का रवैया सख्त है। ऐसे में पूरे शहर में प्रशासन चप्पे चप्पे पर है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। जैसा कि शासन द्वारा
दिनांक 28 तक सख्त लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसमें मेडिकल स्टाफ के अलावा सभी प्रतिबंधित थे। इसलिए हम मेडिकल से जुड़े लोगों को जो छूट दी गई है, कंपनी वालों को 8 से 10 उनको छोड़ के जो अनावश्यक घूम रहे हैं, जो इधर उधर रिश्तेदारी में जा रहे हैं, उन पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें जेल भेज रहे हैं। जिनके साथ महिला हैं तो फिर हम उन लोगों की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं और उनको परेशान होकर वापस जाना पड़ता है, ताकि वो इधर उधर के रास्ते से जा नहीं पाएं, इसीलिए हम उनकी हवा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।